दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के बारे में कुछ ऐसी कमाल की बातें जो आपको पहले से पता नहीं होंगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने बताया है कि आपको यहाँ पे वो मिलेगा जो आप चाहते हो। तो फ्रेंड्स कैसे होगा ये सब, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या है वो ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको उनका पूरा सॉल्यूशन बताऊँगा जो आप अपने व्हाट्सएप से चाहते हो, तो इससे आप का यूज़ करने का तरीका और भी अच्छा हो जाएगा और व्हाट्सएप चलाने में आपको और भी मज़ा आने लगेगा। तो फ्रेंड्स क्या क्या है ये ट्रिक्स तो बताऊंगा इस वीडियो में आगे, उससे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं पीटेक। लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें पीटेक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये वाली वो एप्लीकेशन है जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने मोबाइल फ़ोन में, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और बताऊंगा लास्ट में कि किस तरीके से आपको ये इंस्टॉल करनी है। तो इसका नाम है व्हाट्स डिलीट। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद इसकी टर्म्स को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद इसको अलाउ कर दोगे। अलाउ करने के बाद तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन कौन सी सेटिंग यहाँ से ऑन करनी है, किस किस एप्लीकेशन की सेटिंग ऑन करनी है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन में जाननी है। तो फर्स्ट इसमें व्हाट्सएप के लिए तो पहले से ही बना हुआ है, पर लेकिन व्हाट्सएप के अलावा अगर आप और भी एप्लीकेशन यहाँ से करना चाहते हो इनेबल, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से मैसेंजर लाइट को इनेबल कर देता हूँ। तो इनेबल करने के बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है चैट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसके नीचे दिखा रहा होगा आपके मोबाइल में भी दिखाएगा व्हाट्सएप दिखा रहा है और अदर्स दिखा रहा है। अदर्स में क्या है कि अगर आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रखी है तो वो यहाँ पे उसकी लिस्ट दिखा देगा। और नेक्स्ट यहाँ पे जो व्हाट्सएप दे रखा है, यहाँ पे व्हाट्सएप में जितने भी मैसेज आपको आएंगे और या फिर वो डिलीट हो जाएंगे या डिलीट किए जाते हैं किसी पर्सन के द्वारा, तो यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे। यहाँ पे व्हाट्सएप के मैसेज आएंगे और यहाँ पे अदर्स में जो जैसे कि आपके फेसबुक के मैसेज हैं, अगर उसको भी कोई डिलीट करता है तो आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो आपने बहुत सारी एप्लीकेशन में देखा होगा, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर हैं। जैसे कि स्टेटस है, स्टेटस में अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है, सपोज आपके फ्रेंड ने कोई स्टेटस लगाया है, आपको वो पसंद आ गया पर लेकिन आप उससे मांगना नहीं चाहते हो कि आप वो देगा या नहीं देगा, वो उसकी मर्जी है, पर लेकिन आप देखने के बाद उसको यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप व्हाट्सएप में उसको एक बार देख लेते हो स्टेटस को, तो जैसे ही देख लेते हो आप तो यहाँ पे वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से देखने के बाद आप उसको स्टेटस में लगा सकते हो। कैसे, आप उस वीडियो पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सिंपली आपको एक तो डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और एक शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो शेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप शेयर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप का मैसेज, व्हाट्सएप का भी दिखाई देता है आपको, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको स्टेटस में भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये आपके गैलरी में आ जाए तो गैलरी में भी ला सकते हो। कैसे, आपको सबसे पहले इसको सेव टू ड्राइव करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है अपने ड्राइव में रखते हैं। तो ड्राइव से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी गैलरी में ला सकते हो। नेक्स्ट इसमें अगर आपको कोई इमेज भेजता है और उसको डिलीट कर देता है तो यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल जाएगी। अगर कोई आपको वीडियो भेजता है और वो उसको डिलीट कर देता है देखने के बाद, अगर आपने देख भी लिया उसके बाद भी डिलीट कर देता है तो वो डिलीट हो जाती है, पर लेकिन यहाँ पे वो उसको अपने पास रख लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास और आप उसको दोबारा चेक कर सकते हो और यहाँ से आप उसको कितनी बार भी देख सकते हो। नेक्स्ट वॉइस, अगर कोई अपनी रिकॉर्ड करके भेजता है और उसके बाद डिलीट कर देता है तो यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिल जाएगी। ऑडियो, डॉक्यूमेंट, तो सब चीज़ों की आपको यहाँ पे सेफ्टी मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर में जाना है, सर्च कर दोगे व्हाट्स डिलीट,
तो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है, तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का कुछ लोगो आएगा, तो आपको ये इंस्टॉल कर देना है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर दिखा रहा है इंस्टॉल्ड, तो ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है पहले से इंस्टॉल हो रखा है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसका लोगो आने वाला है, तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? और ऐसी टेक्निकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें पीटेक, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।